लोगों को बोलना चाहेंगे आप बोल के यहाँ पर? बिल्कुल, औरंगाबाद में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में आपके अमूदी होटल में। औरंगाबाद के लोग खासतौर पर मंदी कब्से के बहुत शौक। अभी जो डिश गए अमूदी स्पेशल तंदूरी चिकन। सो ये सर है अरेबियन शेफ है। सर आप कहाँ से? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से, ओके। और सर कैसा लग रहा है औरंगाबाद में आके? अच्छा लग रहा है। नान खलिया खाया आपने? ओके। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ऑल द औरंगाबादीज हु कैन प्राउडली से दैट होटल अमूदी पैलेस इज इन औरंगाबाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कश्यप, आई होप यू आर डूइंग वेल। और अभी आप जैसा देख रहे हैं इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे आया हूँ मैं, होटल अमूदी पैलेस, जो औरंगाबाद में न्यूली ओपन हुई है कटकट गेट की तरफ, और आपको इधर से सावरकर चौक की तरफ। अभी मैं हूँ होटल अमूदी पैलेस में, और काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है। अभी मैंने कुछ सीन्स आपको बताया हूँ, और ये काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है, मैंने अभी तक देखा हूँ, और मैंने खुद लोगों से सुना हूँ कि ये औरंगाबाद के अब तक के बेस्ट रेस्टोरेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कहाँ तक लोग सही है या कहाँ तक मैंने वो जो बातें सुनी है, जो रूमर्स सुने हैं वो सही है, आज देखते हैं, और आप अपना जजमेंट खुद लगा सकते हैं। मुझे खुद इसके बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है रेस्टोरेंट के बारे में, तो यहाँ के कोई भी जो भी स्टाफ है हम उनसे मिलेंगे और यहाँ के रेस्टोरेंट की पूरी जानकारी लेंगे। और इन शॉर्ट अभी रात के बज रहे हैं 9:20 हो रहे हैं, और हमारे पास टाइम कम है, तो जल्द से जल्द ये रेस्टोरेंट को अपन एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ क्या क्या मिलता है, किस प्राइजेस में मिलता है वो सब जानते हैं। और जैसा मैं आपको एक बात बता दूँ, एज अ ब्लॉगर मैंने जो अभी तक के नोटिस किया हो, औरंगाबाद के इतराफ़ के जितने भी ग्रामीण एरियाज़ है, तो वहाँ के लोग हैं ना औरंगाबाद में खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि औरंगाबाद फूड के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और सिर्फ अमूदी पैलेस नहीं, औरंगाबाद के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह सब चलते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे चलते हैं। वो इसलिए चलते हैं क्योंकि औरंगाबाद फूड के मामले में बहुत ही मशहूर है आपको मराठवाड़ा एरिया के अंदर, और जैसा जालना सिटी, बिल्ड सिटी और ऐसे सिटीज़ के लोग भी औरंगाबाद आते हैं खाना खाने के लिए। तो आज हम जानते हैं अमूदी पैलेस ने आप सभी के लिए क्या लेकर आया है, और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैं यहाँ विजिट किया हूँ। तो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि होटल अमूदी पैलेस में अगर आप यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, तो ये है ग्राउंड फ्लोर जनरल डाइनिंग, फर्स्ट फ्लोर फैमिली हॉल, सेकेंड फ्लोर रूम्स नंबर 201-209, और थर्ड फ्लोर रूम नंबर 301-310, एंड फोर्थ फ्लोर अरेबियन डाइनिंग, और नीचे पार्किंग है। तो चलो आप पहले तो अपन ग्राउंड फ्लोर जाते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है जनरल डाइनिंग, तो आपको यहाँ पर हम चलकर बताते हैं कि किस तरह की डाइनिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह की ये ग्राउंड फ्लोर की जनरल डाइनिंग है, जो इस पे जैसा बोर्ड पर लिखा था, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। तो अभी हमारे साथ है, आपका नाम सर? सर मेरा नाम कल्याण इवलाड़े। ओके। मेरा नाम राजकमल कुमार हुआ, और मैं जूनियर कैप्टन पोस्ट पर। मेरा नाम विकास गाड़गे। मेरा नाम पारस कैप्टन। तो ये सब जो कैप्टन है आपको यहाँ पर जनरल डाइनिंग में मिलेंगे, और ऊपर के स्टाफ अलग है, ऊपर के स्टाफ अलग है, और फैमिली के अलग है, टेरिस के अलग है। ओके, तो फैमिली का अलग है, टेरिस का अलग है। टेरिस पे क्या है सर? टेरिस पे हमारा सर मंदी है, स्पेशल मंदी चल रही है। तो जी हाँ, तो ऊपर अरेबियन डिशेस है, यहाँ पर आज डिशेस अगर कुछ अवेलेबल है तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभी जो डिश गए अमूदी स्पेशल तंदूरी चिकन, तो ये कौन सा प्लेटर है सर? है तुर्किश प्लेटर। तुर्किश प्लेटर है, ओके ओके। थ्री टाइप्स के कबाब रहते हैं सर, दो चिकन की सीख रहते हैं, एक मटन का सीख, दो नली रहती, और दो अपना लेग पीस रहता है। उसका बहुत ही बड़ा स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत खुश हो जाते हैं गेस्ट लोग, बहुत पसंद आया था गेस्ट लोग। तो ये था अमूदी स्पेशल तुर्किश प्लेटर,
और इसका क्या है प्राइजेस? इसका 1800 रुपये है। 1800 रुपये उसमें दो पीस मटन आ जाते हैं मेरे के। ओके, सो उसमें लेग आ जाएगा। ओके, 3 6 आ जाएगा। अच्छा, सीख आ जाता हूँ। 3 पीस सीख आ जाएगा। सीख आ जाता है, सीख आ जाता है। इसमें राइस आएगा पूरा प्लेट भरते, ऊपर से कैप्सिकम आलू वगैरह डीप फ्राई करके स्टॉप करके आ जाता है। ओके, सालन आ जाता है एक बोल। ओके, और उसमें 4 से 5 लोग एकदम आराम से खा सकते हैं। ओके, 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं तुर्किश प्लेटर के अंदर। सो ये लोग ने यहाँ पर मंदी खाया है। सर आपका नाम? तौसीफ। आपका? शेख समीर। आपका? ओके, तो आपने अभी क्या खाया? मंदी खाया। मंदी खाया, रोस्टेड मंदी। रोस्टेड मंदी, मंदी। ओके, तो कैसी लगी आपको? बहुत माशाल्लाह। अच्छा, तो लोगों को बोलना चाहेंगे आप बोल के यहाँ पर? बिल्कुल, औरंगाबाद में कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं, फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में आपके अमूदी होटल में। औरंगाबाद के लोग खासतौर पे मंदी कब्से के बहुत शौकीन है। स्पेशली यहाँ पे एक बार आके टेस्ट करें तो उनको पता चलेंगे। और प्राइजेस कैसे हैं? प्राइजेस रीजनेबल। नांदेड़ गए थे मंदी के पास नहीं। हाँ, नांदेड़ गए थे आप? लेकिन अभी हमें मालूम हो गया है। अच्छा, मतलब नांदेड़ बाहर ही जाना पड़ता था, औरंगाबाद में था ही नहीं पहले। हाँ, मंदी के ऐसे शौकीन है यहाँ औरंगाबाद में, दूर जाना पड़ता था, लेकिन हम यहाँ पे ही आ गए तो फिर अब कोई प्रॉब्लम। ओके, तो ये भाई लोग का बोलना है कि पहले ये लोग मंदी खाने के लिए नांदेड़ जाया करते थे और औरंगाबाद में मंदी कहीं नहीं है, ऐसा इनका बोलना है। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं वहाँ पर इन्होंने जैसा अमूदी स्पेशल प्लेटर बताया है उनका रिव्यू लेंगे अपन। हाँ सर से पूछने का रिव्यू। सो अभी हमारे साथ है इस रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। ओके, और सर इस रेस्टोरेंट में किस तरह के डिशेस हैं उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। इस रेस्टोरेंट में हमारे पास जो हमारा पेशावरी फूड है और मुगलाई फूड है, अवधी फूड है और हमारा टर्किश फूड भी है। मैं यूरोप में कई साल वर्क कर चुका हूँ और कोटिंग तो स्पेन में कर चुका हूँ, पुर्तगाल में कर चुका हूँ और स्वीडन में कर चुका हूँ, टर्की में भी काम कर चुका हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर टर्किश फूड भी दिया है और लेबनानी फूड भी है यहाँ पर और हमारे स्पेशल शेफ स्पेशल कबाब है हमारे, आप ट्राई करिए आकर। तो यूनिक चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे पास जो फूड है हमारी कोशिश है कि यहाँ पर औरंगाबाद में किसी के पास वो टेस्ट है हमारे पास, आप आए एक बार ट्राई करें, एंजॉय करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, अगर आप कुछ बोलते हैं कुछ यूनिक बनाने के लिए, यूनिक डिशेज बनाने के लिए, तो आप वो भी रिक्वायरमेंट करके बना सकते हैं। हमारे पास टर्किश प्लेटर है, ईरानी लहम प्लेटर है, कुर्दिश प्लेटर है, कुर्दिश फूड भी है हमारे पास, प्लेटर्स भी है। तो आप देखिए हमारा टंगड़ी कुल्फी है, मुर्गे शोले हैं, स्पेशल है हमारा सब जो है। और अरबिक फूड भी है हमारे पास, अरबिक खेमे बने हुए हैं वहाँ पर, मंदी है, मंदी है, मदफून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग आइए। ओके ओके, तो इतने ज़्यादा इनके पास डिशेस है कि मैं खुद सुनते सुनते वो हो गया हूँ और मैं बोला कि नहीं ये कैसा होगा वो कैसा होगा। जब सर नाम ले रहे थे उसका तो मेरे को खुद ऐसा एक गैस आ रहा था कि यार अपने तो कभी ये चीज़ सुने नहीं, पर वो चीज़ें औरंगाबाद के अंदर अवेलेबल है और बहुत आगे जा रहा है औरंगाबाद। और ये रेस्टोरेंट को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, स्पेशली अरेबिक डिशेज़ के मामले में। और जैसे सर ने बताया, सर का जर्मनी का एक्सपीरियंस है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और इतना अच्छा आज इतने अच्छे मुकाम पे आप। और सर पहली बात तो मेरे को ये बताइए कि कब ऐसा प्लान बनाया आपको कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, या कुछ आपका डिस्कशन आपके ओनर के साथ कुछ पीछे की बात? यहाँ पे जो ओनर है उनके बड़े भाई हैं शेफ राजीव खान, कॉर्पोरेट शेफ हैं, उनकी मुलाकात हुई और बात हुई। लॉकडाउन से पहले आया हुआ था वहाँ यूरोप से, लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं गया नहीं। वर्क मैंने इंडिया में ही किया है काफ़ी 15-16 साल, 15 ईयर्स किया है, 15 से 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। ओके, और उसके बाद मेरी बात हुई भाई से तो फिर मैं यहाँ पर आने लगा। जो गेस्ट हैं वो खाना पसंद करते हैं और अरबिक फूड भी लाइक कर रहे हैं लोग, टर्किश फूड भी लाइक कर रहे हैं। और हमारा जो फूड है पेशावरी और अवधी फूड का, वो ट्राई करें वो, क्योंकि वो यूनिक, वो डिफरेंट है हमारा हर जगह से। ओके, और टर्किश फूड। ओके, टर्किश और हमारा जो पेशावरी और अवधी फूड है जी, वो बिल्कुल यूनिक है,
कोई कोई भी किसी से भी हमारा मैच नहीं है, वो हमसे अच्छा बनाते हैं लेकिन हमारा किसी से मैच नहीं है। ओके, हमारी क्वालिटी अलग है, हमारे किचन की किचन में हाइजीनिक तरीके से सारे खाने बनते हैं और कोई भी हम पुअर क्वालिटी नहीं यूज़ करते खाना बनाने में। okay. अगर अमूल की क्रीम यूज़ करते हैं तो अमूल की ही क्रीम यूज़ करते हैं, देसी की यूज़ करते हैं तो देसी की, अमूल का बटर यूज़ करते हैं तो अमूल का बटर यूज़ करते हैं, हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ओके, और कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा से अच्छा और हेल्दी फूड मिले। ओके, ताकि उसको टेस्ट भी मिले और उसकी फिजिक्स भी सही रहे। ओके, तो सर मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या एक्टिविटी करते हैं आप, जैसे आपने बताया पेशावरी स्पेशल है और अबादी और एक मुगलई टर्किश है। ओके, तो सर अगर कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो उनको आप इस टर्किश फूड या पेशावरी फूड के बारे में कैसा बताते हो, कैसे आपके पास मेन्यू है इसका? मेन्यू है हमारे पास और फिर मैं उसको डिश के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, कोई भी गेस्ट आता है उनको बताता हूँ उसके बारे में और बताता हूँ कि क्या क्या आएगा, चिकन कितने आएंगे, मटन कितनी की क्वान्टिटी है उसमें, राइस की क्वान्टिटी कितनी है, ग्रेवी आएगी या नहीं आएगी, और उनको इमेज भी दिखाते हैं, उसकी फ़ोटो पिक भी दिखाते हैं। ओके, और टेस्ट के बारे में बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, आगे देखते हैं आपको नहीं पसंद है उसका उसकी जो क्वालिटी हमारी है कि टेस्ट अच्छा रहेगा, टेस्ट अच्छा रहेगा सर बोल रहे हैं, तो आप ज़रूर आइए यहाँ विज़िट करिए। और अगर आप आपके स्पेशल गेस्ट भी आते हैं कोई तो उनको लेकर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है अमोदी होटल अमोदी पैलेस। और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। सर एक बार आपका नाम? मोहम्मद शुएब भाई से ज़रूर मुलाकात करिए अगर आपको कुछ नया खाना है औरंगाबाद। आप लोग को कुछ भी खाना है, अगर खाने के बारे में नई चीज़ खाना है या टर्किश फूड के बारे में पता करना है आप उससे बात कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं और सारी चीज़ें मैं मैनेज कर दूँगा, अच्छा खाना खिलाऊँगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रमोशन करने के लिए कि आप अपना, इसलिए नहीं बोल रहे, आप आइए हमारा खाना खा कर तब बोलिए, हमारे टेस्ट पे आप हमको रिव्यू दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ सुनकर या हमारी वीडियो देखकर आप यहाँ पर आइए, एक बार ट्राई ज़रूर करिए, डिफरेंट फूड मिलेगा आपको, ये गारंटी है। जी जी, जी। टेस्ट भी डिफरेंट मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप हम भी ज़रूर प्लान बनाएंगे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर के फ्लोर देखते हैं। चलिए सत्यान भाई आए, फैमिली सेक्शन है, आप देख सकते हैं इस तरह का पर्दा लगा है यहाँ पर, और ये ओपन फैमिली अगर किसी कोई बैठना चाहता है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है जगह, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं डिशेस जा रहे हैं। और मेरे को यहाँ पर आकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम औरंगाबाद में, ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी अरब कंट्री में या बाहर है। और ये फैमिली सेक्शन के टेबल्स है, यहाँ पर चेयर्स है और ये सोफ़ा सेट है। सो गाइस अभी हमारे साथ है इस रेस्टोरेंट के मैनेजर सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। ओके शाहिद सर, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट का थर्ड फ्लोर तीन फ्लोर हमारे पास है, तीनों देखता हूँ मैं। ओके, और उसके गेस्ट को मतलब सेटिस्फाई करना हमारा काम है। ओके, और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है औरंगाबाद में? आप तो मुंबई से हो ना? यस, मुंबई से। तो आपको अभी यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है औरंगाबाद का? बहुत अच्छा है। और सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स देखा पर ऐसा रेस्टोरेंट मैंने अभी तक नहीं देखा जिसकी डाइनिंग इतनी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी डाइनिंग है, तो सर इस डाइनिंग के बारे में कुछ बताना चाहिए? यहाँ का डाइनिंग हकीकत में बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो प्राइवेसी जो गेस्ट को है जो मिलना चाहिए जी, क्राउड को बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। ओके, और गेस्ट यहाँ से जो भी जा रहे हैं सब सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं। हाँ, सर्विस बहुत अच्छा है, सर्विस स्टाफ भी हमारा बहुत अच्छा है। ओके, और इससे बेहतर है यहाँ का कुकिंग फूड, जो हमारा फूड क्वालिटी है बहुत ही बेहतर है। ओके, आपको औरंगाबाद में बहुत ही कम जगह ऐसा मिल रहा है जो हमारे यहाँ है। ओके, अभी हमारे पास तुर्किश प्लेटर है, ईरानी लहम प्लेटर है। ओके, कुर्दिश प्लेटर है। ओके, रमजान प्लेटर, रमजान में बहुत फेमस था हमारा। अच्छा, हाँ बहुत, अभी भी बहुत परवाने से लेके जालना से लोग अभी भी आते हैं हमारे पास। ओके ओके, अभी भी आप देखें खेमे में भी परवाने के गेस्ट बैठे हुए हैं हमारे। ओके, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि औरंगाबाद के आसपास के जितने भी सिटीज़ हैं तो लोग यहाँ पर ही औरंगाबाद में ज़्यादातर पसंद करते हैं खाना खाने के लिए, तो अभी होटल अमोदी का नाम
औरंगाबाद के बाहर भी इतना है कि बाहर के लोग आए हुए हैं। जैसे सर ने बताया कि अभी परभनी के कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर, आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पे रूम से, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर। अभी जब हम शूट कर रहे हैं व्लॉग, तब ये होटल खुलकर सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये अभी हम यहाँ सेकंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पर पूरे रूम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सो गाइस जितने भी रूम्स थे सभी इंगेज थे, तो अभी हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, मीन्स लास्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर है अरेबियन सेक्शन। तो चलिए देखते हैं अरेबियन डाइनिंग आपको नज़र आ रहा होगा। ओहो ज़बरदस्त, ये तो दुबई वाला सीन दिख रहा है सर। अरब से लिया गया है, एक दुबई वाली वाइब आ रही है, और आप देख सकते हैं सब बैठे हैं। सो ये सर है अरेबियन शेफ है। सर आप कहाँ से? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से, ओके। सर आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। ओके, मोहम्मद हुसैन भाई नाम है। और सर कैसा लग रहा है औरंगाबाद में आके? अच्छा लग रहा है। नान खलिया खाया आपने? ओके, कल खाया। कितने दिन हो गए आके आपको? मेरे को हो गया 2 महीना हो गया, जिस टाइम सुप्रीम इधर हो गया वही टाइम हो गया। डिशेज क्या क्या है यहाँ पे? मंदी है, मदगुत है, मदफून है, बुखारी है, मंदी मटन है, चिकन ग्रिल है, शवाया बोलता है अरबी में, वही है, और अल्फाम है, रोस्टेड। सो अभी हमारे साथ है सर, आपका नाम? सैयद मिनाज। सैयद मिनाजुद्दीन सर। और सर आप क्या करते हो? मैं कैशियर डिपार्टमेंट। कैशियर डिपार्टमेंट है, ओके। सर ये सेक्शन के बारे में बताइए। अरबियन सेक्शन है हॉल अपने पास। ओके। जैसा क्राउड जैसा बढ़ जाता है होटल का, पूरे टेबल फुल हो जाते हैं अपने पास, तो अपन इधर बिठा देते हैं हॉल में सर। ओके। और सर इसके अंदर बिठाने का कोई अलग चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं, अरबियन चार्ज। डाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है? मैं अभी आपको नोट कर दे रहा हूँ, डाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, डाइनिंग एक नंबर है, और डाइनिंग का चार्जेस नहीं है। ना तो मैं ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ अलग चार्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये फुल हो जाता है तो इधर इधर बिठाते हैं, और ये प्राइवेसी के लिए भी अच्छा है। प्राइवेसी, फैमिली सेक्शन आता है तो हम उसके पर्दे ओपन कर देते हैं, ओपन पूरा फुल प्राइवेसी के साथ। ऑर्डर भी अगर लेडीज रही फैमिली आपके साथ में, तो आप पूछ के अंदर आते, परमिशन रही तो बंदा जाता है ऑर्डर लेने के लिए, नहीं तो फिर जेंट्स को बाहर बुलाकर ऑर्डर लिया जाता है। ओके ओके, प्राइवेसी का एकदम ख्याल रखा है। ओके। और सर मिनाजुद्दीन भाई जो है वो कैशियर डिपार्टमेंट से, और आप प्रॉपर औरंगाबाद से? जी मैं परभनी से। परभनी से, ओके। तो भाई परभनी से, भाई यहाँ के रेट चार्ट बताइए बोले तो, ऐसा ज़्यादा है कम है, किस लेवल के सर? अपने पास सर अरबियन डिश के अंदर पूरे औरंगाबाद में मंदी फर्स्ट टाइम बॉस लेकर आए हमारे एमडी सर, तो सर अपने पास सर ने एकदम रिजनेबल रेट रखा है, सबसे सस्ता औरंगाबाद की समझो, आवाम को एकदम कम रेट में मंदी दे रहे हैं अपने पास। 950 रुपये में मटन मंदी, मटन मदफून, चिकन मंदी जो है 725 रुपये, एकदम रिजनेबल रेट है अपने पास। जो गेस्ट खा आ रहे हैं वापस रिपीट भी आ रहे हैं अपने पास, बहुत पसंद आ रही है। शेफ तो आप लोग ने देख लिया जी, अफगानिस्तान से मंगाए जी। अलहमदिल्ला मैं अभी तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, तो टेस्ट वगैरह अच्छा है, थोड़ा सा इनको चाहिए सर्विस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके। बाकी टेस्ट वगैरह में कोई मसला नहीं है, रेट्स वगैरह भी अच्छे हैं अलहमदिल्ला। तो ये है सारा लॉन्स, वो इम्पीरियल लॉन्स, और ये कटकट गेट का जो पेट्रोल पंप है उसके अपोजिट साइड है होटल अमोदी पैलेस। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ऑल द औरंगाबादीज हु कैन प्राउडली से दैट होटल अमोदी पैलेस इज इन औरंगाबाद। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और ये छोटी सी इंग्लिश की लाइन जो मेरे दिल से निकली, इस रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो गाइज अब चलते हैं आगे, सुल्तान भाई भी आए हुए, उनको भाई जी थोड़ा बोर हो गए, और मैं शूट में इतना मगन हो जाता कि टाइम को चल जाता। तो पैकअप पैकअप कर दे, चलो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है स्टेयर्स पर, और उम्मू भाई नीचे उतर रहे हैं। उम्मू भाई कैसा लगा आपको, आपको होटल कैसा लगा? अच्छी लगी। देख सकते हैं ये है पार्किंग सेक्शन एरिया, एक पार्किंग यहाँ पर है होटल अमोदी की, और एक पार्किंग यहाँ पर है, और ये है पार्किंग एरिया यहाँ का। और अभी एक कार आ रही है। भाई आपका नाम? शेख मोइन। शेख मोइन भाई है यहाँ पर पार्किंग सेक्शन में। चार्जेस नहीं, चार्जेस नहीं है। ओके ओके। जैसा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर होटल अमोदी पैलेस आपको आना है, तो रात में होटल अमोदी पैलेस का टाइमिंग है रात में, आप है ना एक 5 बजे के बाद ही आओ, इवनिंग में 5 PM के बाद आना है, तो रात में 11 बजे या 12 बजे तक शायद ओपन मिल जाए आपको। क्योंकि जो इवनिंग में आया था मैं यहाँ पर, आफ्टरनून में आया था मैं यहाँ पर कुछ 3 PM के आसपास, 4 PM के आसपास आया था मैं, तो जब हमको, हमने इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि यहाँ पर पब्लिक क्राउड नहीं था, क्योंकि इसका टाइमिंग ही है, इसके शेफ्स भी है ना 5 PM के बाद ही बनाते हैं सब कुछ।
तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और मैं इसको देना चाहूँगा 5 out of 5।